हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एम प्रोसेस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ एम फिक्स इन यूट्रस सो मोस्टली स्टूडेंट्स हम इम प्लानेशन के प्रोसेस को यहां पर स्टडी करने वाले हैं बट प्रीवियस वीडियो की हेल्प से हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को इंड किया था एंड देन हियर रिक्वायरमेंट ऑफ़ द एम वीडियो सो नेक्स्ट वन स्टूडेंट यहाँ पर पहले समझते हैं कि एम की डिफिनीशन क्या होती है सो so की डिफिनेशन की अगर बात करें तो so इम्प्लांटेशन हम बोलते हैं इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट इज एम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम आप जानते हैं कि इम्प्लांटेशन की के प्रोसेस में जैसे हमने यहाँ पर इस्पॉम आने के बाद एंड देन एग आने के बाद और इन दोनों के फ्यूजन के बाद हमने जायगाट का फॉर्मेशन किया था तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर सीधे जयगॉट ही जाके इम्प्लांट हो जाएगा स्टेजेस होंगे कुछ और उन स्टेजे में ही एक स्टेज यहाँ पर होगी जिसमें ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा और उस ब्लास्टोसिस्ट को हम यूट्रस के इनर वॉल इट मीन्स एंडोमेट्रियम में फिक्स करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन सो होपफुली आपको इम्प्लान्टशन क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लान्टशन किसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट को हमें फिक्स करना है एंडोमेट्रियम की वॉल में और इसे ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन और ये इम्प्लांटेशन का टाइमिंग क्या होता है तो so, टाइमिंग होता है ये स्टार्ट होता है सेवन डेज से लेकर और ये पूरा होता है अलेवन डेज में इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के सातवें दिन से शुरू होने के बाद अलेवन डेज़ पे एंड होने पे ये इनकी ड्यूरेशन होती है इम्प्लांट होने की देन उसके बाद इनका साइट क्या होगा तो इनका साइट होता है यूजली एट अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटरस नियर फंडस अब हम जानते हैं कि जो हमारा यूटरस होता है हम फॉर्म करते हैं एंड देन यहाँ पे यूटरस में हम अब पार्ट्स को बोलते हैं फंडस रीज़न ओके और ये हमारा हो जाएगा ऑस्टीरियर रीजन तो यहाँ से अगर एग आया एंड देन यहाँ पर ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन हुआ तो ब्लास्टोसिस कहाँ फॉर्म हुआ इम्प्लांट होगा इस पोर्शन पर इम्प्लांट होगा सो so, ये हमारी साइट होती है नेक्स्ट वन हम इसे डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं सो ये स्टूडेंट इस वीडियो में आप और इस इमेज की हेल्प से आप इम्प्लान्टशन को बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टेजेस का नेम दे रखा है और यहाँ पर मेंशन है फ्रॉम ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन इट मीन्स स्टूडेंट कि यहाँ पर हम ओव्यूलेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन की प्रोसेस देखने वाले हैं और अंडरस्टैंड करने वाले हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं ये हमारे पास ओवरी का पार्ट होता है और ओवरी में आप जानते हैं ओवरी के थ्रू ही होगा ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन की प्रोसेस में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि ओव्यूलेशन में यहाँ पर सेकेंडरी रिलीज होगा और कैच करेगी देन सेबुल एंड देन उसके बाद ये स्थमस जोन्स पर आ जाएंगे तो यहां पर देखिए जीरो डेज है इट मींस कि यहां पर हमने फॉर्म कर लिया है अपने सेकेंडरी साइट्स को एक तरीके से एग और यहां पर हो रहा है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो इतना क्लियर हो गया जीरो डेज हमने बोला इसलिए क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ है और फर्टिलाइजेशन के बाद हम डेज़ की बात करेंगे देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन अभी भी जो हमारा जायगॉट फॉर्म हुआ है वो जायगॉट कहाँ है जयगॉट हमारा है फैलोपियन ट्यूब में ही फैलोपियन ट्यूब से ये माइग्रेट होगा इट मीन्स कि फैलोपियन ट्यूब में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन अब एम्पुला के बाद इस्थमस जोन पर आ जाएगा हमारा जयगॉट और अभी ये फैलोपियन ट्यूब में है तो फर्स्ट डे ही इसमें जैगॉट का फॉर्मेशन हुआ जैगॉट के फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर डे टू में ये डिवाइड हो जाएगा टू सेल स्टेट में इट मीन जैगॉट एक सिंगल सेल थी और इसमें क्लीवेज स्टार्ट हुआ क्लीवेज जहाँ पर हम बोलते हैं इसे सेगमेंटेशन की प्रोसेस तो एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पर कि एक जयगॉट ट्रांसफॉर्म हो जाए एक एम्ब्रियो में और उसे ही हम बोलते हैं क्लीवेज की प्रोसेस तो क्लीवेज की प्रोसेस में यहाँ पर फर्स्टली यहाँ पर एक सेल एक जाएगा डिवाइड हुई टू सेल में टू सेल से वो डिवाइड होती है फोर सेल में फोर सेल से वो डिवाइड होती है एट सेल में और एट सेल से वो फॉर्म करती है सिक्सटीन सेल इट मीन्स यहाँ पर क्लीवेज हुआ कितने टाइम ये एक टाइप का क्या है माइटोसिस डिवीजन है मैं एक अलग वीडियो फॉर्म करूंगा जहाँ पर आपको क्लीवेज और माइटोसिस में क्या अंतर है ये बताऊँगा तो फिलहाल यहाँ पर अभी आप ये समझें कि फोर डिविजन्स यहाँ पर हुए इक्वल डिवीजन होंगे टू टू से फोर फोर से एट एंड एट से सिक्सटीन सेल स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म होगा और यहां पर मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सेल स्टेज को हम बोलते तो इसे हम बोलते बोलते हैं हैं क्या तो इसे मोरूला और मोरूला के टाइम पर भी अभी हमारा वो जिसमें क्लीवेज हुआ और वो अब बन चुका है मोरूला वो फैलोपियन ट्यूब में ही है ठीक है तो मोरूला की थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेते हैं हम लोग सो स्टूडेंट हियर मोरूला की स्टेज में जहाँ पे हमने बोला कि ये टोटल कितनी सेल स्टेज होती है सिक्सटीन सेल स्टेज होती है और यहाँ पर सिक्सटीन सेल्स को हम क्या नेम देते हैं सो इन सिक्सटीन सेल को हम नेम देते हैं ब्लास्टो मेयर्स या ब्लास्टोमर्स अब हम इसे मोरूला क्यों बोलते हैं तो मैं आपको बताऊँ जो शहतूत का प्लांट होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मलबेरी तो एकदम वैसा ही इसका अपियरेंस होता है इस वजह से इसे हम नेम क्या देते हैं मोरूला नेम देते हैं देन उसके बाद स्टूडेंट और इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट होंगे अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये फैलोफिन ट्यूब में ही है और उसके साथ में मैं आपको एक फैक्ट और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर अभी भी जोना पैलोसिडा की वॉल प्रेजेंट है इट मीन्स कि जो हमारा सेकेंडरी वो साइट था जिसके पास जोना पैलोसिडा की वॉल थी वो वॉल अभी प्रेजेंट है वो अभी डिसअपेयर नहीं हुई है तो मोरूला देन उसके बाद जब ये सिक्सटीन साइड स्टेज हो गई देन मोरूला एंटर करेगा यूटरस में मतलब यूटराइन केविटी में तो आपको ये फैक्ट यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी सेल्स हैं ब्लास्टम सेल्स हैं जो सिक्सटीन साइड स्ट्रक्चर है एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट जब मोरूला की स्टेज यहाँ पर कंप्लीट होती है और मोरूला माइग्रेट हो रहा होता है उस टाइम पर यह मोरूला माइग्रेट होते हुए फॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर एंड हियर ब्लास्टोसिस्ट में टू लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी वजह से इसका हम नेम भी चेंज कर देते हैं और इसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं तो यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर्स की सेल थी वही रीअरेंज होती हैं और यहाँ पर फॉर्म करती है ब्लास्टोसिस्ट को और यहाँ पर जो हमने लेयर्स की बात की कि यहाँ पर टू लेयर्ड स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो जाता है जो कि कहाँ फॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट में फॉर्म होता है देन फिर ये कुछ दिनों तक इधर उधर मूव करेगा हमारा जो ये ब्लास्टोसिस्ट है और मूव करने के बाद मूव करने के बाद ये यूट्रस से यूट्रस में जो भी न्यूट्रिटिव uh, थिंग होती है जो भी न्यूट्रिशन लेना होता है वो न्यूट्रिशन लेता है और अपने आप को इलाज करता है ठीक है और इस टाइम पर ये एक टोटल बॉल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और हम इसे क्या देते तो नेम देते हैं ब्लास्टो नेम देते हैं देन अब हम इसकी भी डिटेल स्टडी कर लेते हैं नहीं, मैंने आपको बताया था मोरूला जो हमारी स्टेज थी उसमें अभी भी जोना पैलोसोडा की लेयर प्रेजेंट थी लेकिन अब जब हमें इम्प्लांटेशन करना है तो जब स्टेज हम इम्प्लांटेशन के पढ़ेंगे, तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द जोना पेलुसिडा देखिए अभी हमें जोना पेलुसिडा का कोई वर्क नहीं है हमने टू लेयर जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया ब्लास्टोसिस्ट में जिसे हमने आउटर को ट्रोफोब्लास्ट बोला और इनर को इनर सेल मास बोला है वहाँ पर उससे रिलीज हो गया है ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट जोना पैलोसिडा से तो जिसे हमने हैचिंग नेम दिया नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हम क्या बोलते हैं एड प्लांटेशन बोलते हैं जहाँ पर हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो स्लोली रोल होता है और रोल होने के बाद वो अलाइन होता है एपीथीलियम से मतलब एपीथीलियम वॉल के क्लोजली आता है और फिर वो करता है अपोजिशन इट मीन्स कि यहाँ पर

ब्लास्टोसिस्ट है उसका जो ट्रोफो का स्ट्रक्चर है वो टोटली अपने आप को एम्बेडेड कर देगा नेक्स्ट वन यहाँ पे ब्लास्टोसिट से रिलेटेड कुछ फैक्ट समझते हैं ब्लास्टोसिट से रिलेटेड कुछ फैक्ट में यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा यहाँ पर वो मोरूला के बाद फॉर्म होता है एंड देन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक आउटर आउटर कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट नेम देते हैं जो कि आउटर वॉल होते हैं और जो इनर वॉल होती है इनर में स्ट्रक्चर में यहाँ पर इनर सेल मास फॉर्म होता है जिसे कि हम एम्ब्रियो ब्लास्ट भी बोलते हैं मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा इनर सेल मास होता है जहाँ से जिसे कि एक तरीके से हम स्टेम सेल्स बोलते हैं कि यहाँ पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं और स्टेम सेल्स का मतलब होता है पर्टिकुलर सेल्स जिनके पास ये पावर होती है कि वो डिवाइड होकर के बहुत सी सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन आगे जा कर के डेवलप करें तो इसलिए हम इसे स्टेम सेल्स बोलते हैं देन उसके बाद अनदर फैक्ट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं आप क्योंकि ये आपको अर्थ जैसा लगने लगा होगा सेंटर लगने लगा होगा तो हम यहाँ पे दो पोल्स नेम देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड दो पोल आपको दिख रहे होंगे तो जहाँ से हमारा इनर सेल मास लगा होता है इसे हम बोलते हैं एनिमल पोल ओके जो कि हमारा एक्टिव पार्ट होता है एक्टिव पार्ट है इसलिए हम इसे एनिमल पोल भी बोलते हैं एंड देन जो यहाँ पर सेकेंड पार्ट्स सेकेंड पोल आपको दिख रहा है इसे हम ए एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं जो कि एक तरीके से इनएक्टिव होता है और यहाँ पर यहाँ पर मतलब जहां पर हमारा होगा इनर सेल मास यही आगे जाकर इसके न्यू लेयर्स इक्टोडर्म इंडोडर्म एंड देन एम्ब्रियो को और ज्यादा डेवलप करेगा नेक्स्ट और यहां पर जो हमारा ये है इसका यहाँ पर हम कोई फंक्शन नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन होता है ट्रोफोब्लास्ट ये आगे जाकर के प्लासेंटा या जो एमनियन कोरियन जो लेयर्स है वो फॉर्म करेगा तो अगर यहां पर बेसिक बात मैं करूँ तो ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन आप बताएंगे कि ये एम्बेडेड होने के बाद यहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है तो इस तरीके से यहाँ पर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है और हम यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम की हेल्प से और समझते हैं इम्प्लांटेशन को सो स्टूडेंट्स हियर आप देख पा रहे हैं कि मैंने बताया सबसे पहले आपको कि यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट अटैच अभी नहीं हुआ है जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन कर लेगा और वो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर एक तरीके से ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है और इनर सेल मास का फॉर्मेशन करता है ऐसे टाइम पर जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है ये देखिए डे देख सेवन यहाँ पर मैंशन है और सेवन डेज में ये यहाँ पर इम्प्लांट होना शुरू करता है ऐसे में जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो कुछ लाइटिक एंजाइम रिलीज करती है और लाइटिक एंजाइम का नेचर आप लोग हैं डिप्लीट करने का और यहां पर आप खुद भी देख रहे हैं कि इंडोमेट्रियम की जो हमारी वॉल है इसमें खुद ऑलरेडी कुछ फिंगर लाइक -like प्रोजेक्शन यहां पर प्रेजेंट हैं और ट्रोफोब्लास्ट भी खुद में यहां पर विलाई लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जो कि यहां पर एम्बेड होने में बहुत ज्यादा हेल्प देते हैं ट्रोफोब्लास्ट को नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्ट ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवाइड होना शुरू कर देता है और डिवाइड होकर के बहुत ज़्यादा सेल वाले स्ट्रक्चर इट मीन्स कि एक सेल में ही बहुत सी न्यूक्लियस हो जिसे हम एक स्टेज बोल देते हैं सिंसाइशियल या सिन काइटियल बोलते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है इसे हम क्या नेम देंगे इसे हम नेम देंगे सिंकाइटियो ट्रोफोब्लास्ट स्ट्रक्चर और ऐसे स्टेज में जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट है सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट स्ट्रक्चर ये टोटली हमारे एम्ब्रियो में इम्प्लांट हो हमारे इंडोमेट्रियम की वॉल में टोटली इम्प्लांट हो जाता है और इसे हम यहाँ पर एम्ब्रियो बोल रहे हैं तो डे सेवन से हमने स्टार्ट किया था इम्प्लांटेशन और डे अलेवन तक हम बोलते हैं कि ये एकदम से फिक्स हो जाता है सर स्टूडेंट इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन इस वीडियो की हेल्प से आपने होपफुली यहाँ पर इम्प्लांटेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा थैंक यू फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की और साथ में प्रेगनेंसी की तो आफ्टर द इम्प्लान द नेक्स्ट स्टेज इज अल विच इज नोन एज प्रेगनेंसी थैंक यू